आज हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हो एक पेपर है जिसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहते हैं। इसको कैपिलरी या केशिका ट्यूब कहते हैं। एक बीकर है जिसमें हमने थोड़ा सा साल्वेंट यानी वाटर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कैपिलरी की सहायता से पेपर पर हमने यहाँ पर इंक से निशान लगा लिए। चूंकि हम जानते हैं कि जो इंक होती है वो विभिन्न रंजक से मिलकर बनी होती है, अब इस पेपर को इस साल्वेंट में इस दिखाई देगा, इस पेपर को इस टाइप से साल्वेंट में हम डुबो देते हैं। ये देखिए आप, और ये देखना है कि ये साल्वेंट के साथ जो इंक में घुलनशील रंग है वो ऊपर चढ़ते या नहीं चढ़ते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद इसका अध्ययन करेंगे। अब यहीं पर फोकस करना पड़ेगा, बस इतने को देखना पड़ेगा। कुछ समय बाद हम ये देखते हैं इसमें कि जो अलग अलग रंग के रंजक इसमें विद्यमान है वो फिल्टर पेपर या जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है इसमें जो साल्वेंट है उसके साथ साथ ये रंजक भी ऊपर की ओर जो है आते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं इसमें कि अलग अलग रंग जो है अलग अलग ऊंचाई तक आ रहा है। ये भी हम पूरा फिल्टर पेपर निकाल के बताएंगे।
कुछ समय बाद जब फिल्टर पेपर को हम निकाल करके और देखते हैं तो आप ये पा रहे हैं कि इसमें सबसे ऊपर हरा रंग है, सबसे ऊपर, उसके नीचे डार्क ब्लू, उसके नीचे हल्का गुलाबी या पर्पल, हल्का गुलाबी है और उसके नीचे पर्पल है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि क्रोमेटोग्राफिक वह तकनीक है जिसकी सहायता से हम रंगों का पृथक्करण कर सकते हैं, और इस तकनीकी का उपयोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किया जाता है। धन्यवाद।